देखिए, पहले तो हम परिचय बता दें। मेरा नाम सत्यानंद शर्मा हुआ और हम लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हमारे पार्टी के बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश शर्मा जी हैं। हमारे साथ हमारे पार्टी के बिहार के महासचिव श्री रामाशीष शर्मा जी हैं, जो पिछली बार उम्मीदवार भी थे बेगूसराय से। और हमारे बगल में मुखिया जी हैं श्री रविंद्र कुमार दास जी, हमारे नौगछिया के अध्यक्ष रिंकू पासवान जी और भागलपुर के जिला अध्यक्ष सुमन कुमार जी, सभी साथी हैं, लगातार प्रोग्राम में चल रहे हैं। हम खास तौर से आप सबों को धन्यवाद करते हैं कि आज के प्रेस वार्ता में आप सब लोग शामिल हैं। ये बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है, लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लूट खसोट की सरकार है और ये सरकार अंक गणित के आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि ये सरकार अगस्त के महीने तक धाराशायी हो जाएगी और दूसरी सरकार बनेगी। दूसरी सरकार बनेगी इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री दूसरे लोग होंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये सरकार जानबूझ करके दमनकारी नीति अपना रही है, अब विशेष पुलिस बल कानून बना रही है, तो उसमें क्या होगा? पुलिस बल कानून आम नागरिकों का अधिकार छीनने का कानून है। उसमें जो प्रावधान किया जा रहा है उसके मुताबिक जो विशेष पुलिस बल होगा किसी को कहीं से उठा के बंद कर देगा और कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। उसका फंडामेंटल राइट खत्म करने की साजिश सरकार कर रही है और संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरक्षण के सवाल पर पूरा का पूरा बैकलॉग को तो आज तक पूरा नहीं किया और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का ये सरकार अभियान चला रही है। हम लोग सीधी तौर पर कहे हैं कि हम दलित अति पिछड़ों की बड़ी जमात बना करके इस सरकार को धाराशायी करने का चेष्टा कर रहे हैं और उस दिशा में हम सारे कार्यक्रम अभी बिहार भर में आयोजित कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। ये सरकार कहती रही है पिछला सरकार जंगल राज की सरकार थी, तो पिछले सरकार में 15 साल में जितनी अपराध की घटनाएं घटी उससे 54.6% ज़्यादा अपराध की घटना नीतीश कुमार के शासनकाल में घटा, तो कौन जंगल राज है, कौन महाजंगल राज है, इसकी विवेचना जनता करना जानती है और जनता इसका विश्लेषण कर रही है। अभी कार्यक्रम है और विशेष बात हम वहाँ के कार्यक्रम में आपको बताएंगे।